कि बाइक के जो भी कार्बोरेटर होते हैं उसके अक्सर जाम हो जाते हैं, स्क्रू चाहे वो मिक्सचर स्क्रू हो चाहे वो सिलोजेड हो या और कुछ, पानी में चले जाते हैं। तो जब पानी में चले जाते हैं या पानी, जैसे बारिश हुई और काफ़ी दिन बारिश का पानी कार्बोरेटर में घुसा रहा, उसके बाद वो सूख जाता, फिर जाम हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना है कि भाई उसको जो स्क्रू खोलते हैं बहुत जाम होता है, उस समय स्क्रू खोलते समय टूट भी जाते हैं और फिर भी नहीं खुलते हैं, तो उसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, खोल सकते हैं, तो हम आपको बताते हैं। क्योंकि हम इसके पहले एक बाइक थी पल्सर, उसमें हमने सिलोजेट खोलना चाहा, खुला नहीं, इतना जाम था। फिर उसके बाद अपने हमने दोस्त से पूछा, तो दोस्त भाई लोग बताए कि भाई इस तरीके से भी आप प्रयास कर सकते हो, खोल सकते हो। तो हमने उसको नहीं खोल पाया, दोबारा फिर जब दोबारा में जब कभी फंसे तो हमने उसी तरीके से खोला और उस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो हमारे सामने देखिए दो कार्बोरेटर हैं, उसमें देखिए एक कार्बोरेटर इस तरीके से है कि जो कि इसका ये टूट गया है, ठीक, ये टूट गया है। और उसी तरीके से एक कार्बोरेटर और है जिसका ये टूट गया था, पर हमने उसको क्या किया, आरिक ब्लेड से यहाँ पर धार बना करके उसको हमने खोला तो खुल गया, ठीक है, इस तरीके से। और कुछ क्या होता है, जैसे अब यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से जैसे ये टूट गया था तो हमने यहाँ पर धार बनाया, उसके साथ साथ हम इसको, अगर कोई भी स्क्रू है अगर हम उसको थोड़ा सा भी, बहुत जाम है, अगर ज़रा सा भी खुल जाता है तो उसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा प्लस माइनस यानी इधर उधर घुमा करके और खोल देना, खुल जाता है, ठीक है। और इसका इस कार्बोरेटर का सिलोजेट भी बहुत जाम है, और खोला तो खोलने की कोशिश की लेकिन खुला नहीं, लेकिन नहीं खुला। और हम बताते हैं कि यानी किस तरीके से आप उसको खोल सकते हैं, ठीक है। देखें इसमें क्या हुआ, जैसे ये स्क्रू खोलते समय जैसे टूट गया है, अब हमने क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसको इस तरीके से करेंगे और ये ब्लेड से इसको हम धार बना करके उसको हम पहले हल्का टाइट करेंगे फिर खोलेंगे, यानी धीरे करके, और ये खुल जाएगी उसी तरीके जैसे, यानी ये अलग कार्बोरेटर का है और इसका भी स्क्रू ये खोलते समय टूट गया। अब टूट गया तो हमने क्या किया, यहाँ पर धार बनाया और धार बना करके इस तरीके से हमने इसको खोलना चाहा, खुल गया, ठीक। अब देखें ये इतना जाम था कि ये टूट गया, यानी इतनी ताकत लगाना पड़ा कि वो पीतल का होता है, टूट गया। यानी कोई भी स्क्रू अगर खुलता है, अगर ये ज़रा से भी हो जाता है तो हमको उसको क्या करना है, इस तरीके से यानी देखिए, आपको जब भी कोई स्क्रू नहीं खुलता है, क्योंकि हमारे पास जब छोटे थे तब भी हमारे पास मिस्त्री भाई लोग स्क्रू नहीं खुलता था तो हमारे पास लेकर के आते थे, ठीक है। अब वो क्या होता था, जब हम खोलने के लिए हमने बैठे तो हमने उसमें थोड़ा सा कैरोसिन डाला, कैरोसिन डालते रहे और थोड़ा थोड़ा घूमते रहे, यानी घुमाते रहे इस तरीके से, हाँ दोस्तों, और हमने जब इस तरीके घुमाते रहे और धीरे धीरे करके वो फिर यानी खुलने लगा, वो पूरा खुल गया, ठीक। अभी जैसे ये भी जाम है थोड़ा सा, लेकिन हमको क्या करना है, पूरी तरह एक साथ नहीं खोलना, एक साथ खोलेंगे तो पूरा टूट जाएगा, ठीक। लेकिन हमको क्या करना है, फ्री फ्री करके धीरे धीरे करके अगर हम कोशिश करेंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमको देखें अब ये थोड़ा फ्री होने लगा, अब ये स्क्रू खुल जाएगा, ठीक है। तो एक हमारा ये जुगाड़ हो गया, ठीक है, कि इस तरीके से आप खोल सकते हैं जब टूट जाने पर इस तरीके से। और कोई भी जाम स्क्रू है तो उसको जब भी खोलना हो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे यानी प्लस माइनस इधर उधर घुमा करके यानी ऐसे ऐसे करके खोल सकते हैं, ठीक। और अब हम इसका खोल के दिखाते हैं। इसमें जो इसका जो सिलोजेट है, हमने क्या किया, ये सिलोजेट बिल्कुल सही है लेकिन हमने प्रयास किया था, खुला नहीं, और हमने कोई भी इसमें कलाकारी भी नहीं किया, और हमने कहा कि छोड़ो अच्छा इसके वीडियो बना देते हैं, क्योंकि हमारे जो जब इससे पहले समस्या आई थी हमने कैसे खोला। देखें अब हमने इसको एक बार सिर्फ प्रयास किया कि खुल जाए, ठीक। अब क्या होता है, अक्सर स्क्रू ये वाला, ये तो सब खुल जाता है, ये भी खुल जाता है, पर ये नहीं खुलता, ठीक। हमने क्या किया, इसको खूब चोट मारते रहे इसे, तब भी नहीं खुला, ठीक दोस्तों, और नहीं खुला। हमने दोस्त से अपने बात किया, उसने कहा आप एक वाल लीजिए, हैं, वाल लेकर यहाँ पर चोट मारिए इस पर, यहाँ पर, ठीक है, हाँ चोट मार दीजिए, और फिर उसके बाद उसने कहा कि एक बार में आराम से खुल जाए, ठीक। दोस्तों आप हमारा यकीन करिए कि हम वो जो गाड़ी में प्रॉब्लम हुई थी उस कार्बोरेटर को हमने नहीं खोल पाए थे स्क्रू, और हमने फिर क्या किया, एयर मार करके हमने दे दिया, ठीक। और हमने अभी इसको भी इतना जाम था कि पहले भी प्रयास किया तब भी नहीं खुला, और अब भी प्रयास किया तब भी नहीं खुला। पर हम क्या करते थे, हम अक्सर क्या करते थे, जैसे ये स्क्रू जाम है तो हम जाम स्क्रू में क्या करते थे, हम ये पेचकस पर ही चोट मारते थे, यानी पेचकस पर ऐसे चोट मार रहे हैं, और यहाँ पर 12 नंबर इंच लगा कर हम सोच रहे हैं, जैसे कोई स्क्रू कोई नहीं खुलता तो हम लोग उसको
हाथ ऐसे लगा लेते हैं और चोट मारते रहते हैं धीरे धीरे, और वो खुलता रहता है, इस तरीके से खोल जाता है। पर हमने इसमें 12 नंबर रिंच लगा लिया, यहाँ पर यहाँ लग जाता है 12 नंबर रिंच, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यहाँ 12 नंबर रिंच लगा ली और हम इसको लगा रहे हैं इसके धीरे से खुल जाए, लेकिन हम चोट मारते मारते यहाँ पर क्या हो गया, काफ़ी ये डैमेज हो गया, पर वो खुला नहीं। फिर हमने क्या किया, इसमें हमने एयर प्रेशर से एयर मार दिया और हमने कार्बोरेटर साफ करके बांध दिया, हमने इसको खोल नहीं पाया। आप यकीन करिए कि हमने नहीं खोल पाया। और दोबारा फिर हमने अपने जब मित्र से बात किया तो उसने कहा, वो मेरे पास भाई काम करने आते हैं, वो बताया कि आप कभी कभी इस तरीके से भी होता है कि ये जो अंदर वाले स्क्रू होते हैं उसमें इस तरीके से जब चोट मारेंगे, इस तरीके से जब हमने इस तरीके से चोट मारा और फिर आराम से अभी आपका आपके सामने खुल गया, और इससे पहले भी हमने जब खोलना चाहा तो खुल गया। तो ये हम टेक्निकल बातें इसलिए बताते हैं कि ज़रा सी लापरवाही या ज़रा सी हमको ना जानकारी में पूरा कार्बोरेटर हमको चेंज करना पड़ता है। और सिलो जेट क्या है, अब आपकी गाड़ी में जैसे कार्बोरेटर है और सिलो जेट में, सिलो में अगर जेट में कचरा है, कार्बन है, तो वो सिलो में बंद होने रहेगी, ठीक, बंद होने लगेगी। पर क्या है कि हम इसको अगर हम इस तरीके से खोलेंगे हमेशा, हैं, यानी हमेशा पेचकस के ही सहारे चोट मार के खोलेंगे तो ये स्क्रू नहीं खुलता। हमको जब भी खोलना हो तो इस पर हम वाल रखें इस तरीके से और इस पर चोट मारे बराबर से, तो आराम से एक बार में खुल जाता है प्यार से। और जब से हमने ये तरीका आ गया मेरे दिमाग में, तब से हमने कभी भी चाहे जितना भी डैमेज स्क्रू हो, पहले हमने थोड़ा सा इससे चोट मार के धार बना लिया, फिर उसके बाद हमने अगर उसकी वो अगर इसकी जो यानी पेच यानी ये स्क्रू की यानी यहाँ पर अगर ये मत्था इसका ख़राब हो गया है, पूरा डैमेज हो गया है, तो हमको क्या करना है, पहले इस पर जैसे मत्था मर गया है पूरा, तो हमको पहले इस तरीके से इसको मार करके ये बना लेना है, यानी इसका यानी कोर बना लेना, इसे बन जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है हमको, इस पर इस तरीके से चोट मारना है और फिर आराम से बिल्कुल खुल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, कार्बोरेटर में जो जाम स्क्रू होते हैं ज़्यादातर यही होते हैं, और इसको आप आराम से खोल सकते हैं। और जैसे क्या होता है, जैसे स्क्रू ये अब नहीं खुलेगा तो हम क्या करेंगे, अपने खरादी भाई के पास जाएगा ये, और खरादी भाई इस पर क्या करेगा, ड्रिल मशीन से हल्का सा होल करेगा, उसके बाद फिर होल करके और धीरे से इसको निकाल देगा, फिर इसमें नया स्क्रू लगेगा। लेकिन हम इसका काफ़ी चार्ज लेते हैं वो लोग, इसलिए हम कोशिश करते हैं इसमें हल्का सा आरी ब्लेड से धार बना करके, और जैसे इस वाले स्क्रू को हमने आप देखिए बारीकी से कि इस स्क्रू को हमने खोल दिया है कि इसमें कोई डैमेज भी नहीं हुआ, और इस तरीके से खोल दिया, आराम से खुल गया, इसी तरीके से हम चाहेंगे खोल दें। और क्या होता है भाई, हम बहुत सारी चीज़ों को चाहते हैं भाई कि रिपेयर कर दें, और आप भाई लोग भी, क्योंकि हर एक आदमी ऐसा नहीं कि काफ़ी पैसा खर्चा करे, और ये कार्बोरेटर आता है 2500 रुपये के आसपास, और अगर हम थोड़ा सा भी जानकारी है, अगर हमारे अंदर काबिलियत है, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने आप से हम स्क्रू को खोल दें, और इससे जो सिलो जेट में प्रॉब्लम है या मिक्सचर सही सेट नहीं हो रहा या रेस बढ़ रही, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से जो भी हमें जानकारी थी, हमने चाहा कि आप भाई लोगों को बताएं। चाहेंगे दोस्तों कि हमारा वीडियो पसंद है, उसको लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करें,